गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे क्लास में। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो विभिन्न अंग हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ा था, और लास्ट लेक्चर में हमने जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है यानी जो पाचक ग्रंथियां हैं, तीन पाचक ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम जो है डाइजेशन यानी जो पाचन की क्रिया है, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों में पाचन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। पाचन का मतलब यह होता है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें भोजन के जटिल अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, उनको छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। और ये क्रिया विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा होती है। तो सबसे पहले हम जो है पाचन की जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। पाचन होता क्या है? डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब यह है कि भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम्स द्वारा सरल व जल में घुलन से अणुओं में बदलना। ये डाइजेशन यानी पाचन की डेफिनेशन है कि भोजन में जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना, और वो जो सरल अणु है वो जल में घुलनशील होते हैं ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है यानी कि अवशोषण है वो आसानी से हो सके। पाचन की जो क्रिया है हमारे आहार नाल के विभिन्न भागों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम जैसे ही भोजन को अंदर लेते हैं तो भोजन जो है हमारी मुख्य गुहा में आता है। यहाँ पर हम आज पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पाचन क्रिया सबसे पहले मुख गुहा में पक्कल के मुख गुहा में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, लाल ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि जो है लार स्त्रावित की जाती है, लार ग्रंथि द्वारा लार स्त्रावित की जाती है, और लार में अल्फा एमाइलेज जिसको टाइलिन भी कहा जाता है, ये एंजाइम उपस्थित होता है। लार में यानी जो स्लाइवा है, स्लाइवा में अल्फा एमाइलेज या उसको टाइलिन भी कहा जाता है, ये एंजाइम उपस्थित होता है। टाइलिन एंजाइम पका हुआ स्टार्च यानी जो कुक्ड स्टार्च है केवल उसी का पाचन करता है। तो हम जो है भोजन को मुख गुहा में ज्यादा समय तक नहीं रखते। जैसे ही हमने भोजन को अंदर लिया और विदिन एक या दो सेकंड के अंदर उसको अंदर की तरफ निगल लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मुख गुहा में स्टार्च का पाचन पूरा नहीं हो पाता, बहुत कम पाचन हो पाता है, लगभग
30% स्टार्च का ही पाचन हो पाता है। तो ये जो एल्फा एमाइन है या टाइलिन एंजाइम है वो स्टार्च को, यहाँ पर टाइलिन एंजाइम स्टार्च पर क्रिया करेगा और यहाँ पर जो पीएच है वो लगभग 6.8 पीएच पर ये एंजाइम काम करता है और ये स्टार्च को माइक्रोज में बदल देता है। इसके साथ साथ में अल्फा सिमिल डेक्सट्रिन में चेंज करता है स्टार्च को टाइलिन एंजाइम द्वारा, इसमें चेंज करेगा एक तो माइक्रोज जो डाइसैकेराइड है और साथ साथ में अल्फा सिमिल डेक्सट्रिन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो भोजन है, भोजन में मुख गुहा में भोजन के साथ लार मिले जाते हैं यानी फूड और स्लाइवा, इन दोनों के मिलाने से जो भोजन है वो बोलस कहलाता है। बोलस यानी मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाएगा, बोलस। फिर ये जो बोलस है ये ग्रसनी से होता हुआ, ग्रसनी में हमने पढ़ा था कि दो छिद्र होते हैं जिन्हें एक तो ग्लोटिस होता है और एक उलेट यानी ग्लोटिस यानी गांठी द्वार और एक उलेट यानी निगल द्वार। तो ये जो बोलस है वो निगल द्वार के माध्यम से ग्रसनी का यानी इजोफेगस, इजोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है क्योंकि इजोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो उसका जो कार्य है कि भोजन को यहाँ से ग्रसनी से स्टोमक तक पहुंचाने का होता है। तो इसके बाद में मुख गुहा में केवल यहाँ पर स्टार्च का पाचन होता है, वो भी आंशिक पाचन हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो है वो है स्टोमक यानी अमाशय में जो पाचन की क्रिया होती है, तो अमाशय के अंदर जैसे ही भोजन पहुंचता है अमाशय के अंदर जो उसकी जो हमने पोटिकी में पढ़ा था विभिन्न लेयर होती है, चार लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर जी सेल्स होती है, ये जो जी सेल्स है एक हॉर्मोन बनाती है, उस हॉर्मोन का नाम है गैस्ट्रिन हॉर्मोन। ये हॉर्मोन जैसे ही ये बोलस स्टोमक में पहुंचता है गैस्ट्रिन हॉर्मोन स्प्रेड होता है और गैस्ट्रिन हॉर्मोन जो है अमाशय की जो अंदर की जो लेयर है उसके अंदर जो विभिन्न ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों को गैस्ट्रिक जूस यानी जटर रस बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है स्टोमक के अंदर पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन जैसे ही बोलस जो है स्टोमक में पहुंचता है तो स्टोमक में जो जी सेल्स, जी सेल यानी जो जी कोशिकाएं हैं ये गैस्ट्रिक हॉर्मोन स्त्रावित करती है, यह हॉर्मोन गैस्ट्रिक हॉर्मोन जो है ये हॉर्मोन जठर रस यानी जो गैस्ट्रिक जूस है स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे ही जठर रस स्त्रावित होता है जठर रस के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जठर रस के अंदर एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके अलावा पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जठर लाइपेज एंजाइम होते हैं।
सबसे पहले ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन जो है निष्क्रिय एंजाइम है, तो HCl सबसे पहले इसको सक्रिय पेप्सिन में चेंज करता है और आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम करवाता है। तो प्रोटीन जो है आमाशय के अंदर ये यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम है। HCl के कारण आमाशय की जो पीएच है वो बहुत कम होती है, 1 से 2 पीएच के बीच में होती है। यहाँ पर जो माध्यम है वो पूरी तरीके से अम्लीय माध्यम हो जाता है। अम्लीय माध्यम में ये पीएच एंजाइम पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है और ये प्रोटीन को प्रोटीओज पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में तोड़ देता है। यानी प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल, कई सारे अमीनो अम्ल जुड़कर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये उस प्रोटीन अणु को बीच बीच में से तोड़ देते हैं और उसको इस तरीके से प्रोटीन के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको पेप्टाइड पेप्टोन प्रोटीओज कहा जाता है उसमें चेंज कर देता है। यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, केवल आंशिक पाचन होता है। कि उसके बाद कहा था रेनिन, प्रोरेनिन, ये भी निष्क्रिय एंजाइम है, ये अम्लीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है और रेनिन एंजाइम बनाता है। रेनिन एंजाइम जो है वो केवल छोटे बच्चों में सक्रिय होता है और दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है कैसी उसका पाचन करता है। तो रेनिन जो है केवल छोटे बच्चों में दुग्ध प्रोटीन को कैसी कहा जाता है। तो ये जो रेनिन एंजाइम है ये रेनिन एंजाइम इस केसिन प्रोटीन को पेरा केसिन में चेंज कर देता है, पेरा केसिन, ठीक है। फिर उसके बाद में पेरा केसिन आगे कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम पेरा केसिन बनाती है जो एक दही जैसा पदार्थ होता है उसमें चेंज हो जाता है। तो ये जो रेनिन एंजाइम है ये केवल छोटे बच्चों में ही सक्रिय होता है। उसके बाद में जठर रस के अंदर लाइपेज एंजाइम भी होता है जो वसा का पाचन करता है। ये जो जठर लाइपेज एंजाइम है जो आमाशय में जो उपस्थित होता है ये बहुत ही पुअर एंजाइम है, यानी कमजोर एंजाइम है जो केवल दूध की वसा को डाइजेस्ट कर पाता है और यहाँ पर वसा का पाचन बहुत ही कम होता है आमाशय के अंदर। तो जो लाइपेज है जो दूध की अंदर वसा है उसको लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है। तो यहां पर आमाशय के अंदर इन एंजाइम्स के द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होती है और हमने पढ़ा था कि मुख गुहा के अंदर भोजन लार के साथ मिलकर उसको जो है बोलस कहा जाता है। आमाशय में बोलस के साथ जब ये जठर रस मिल जाता है, बोलस के साथ में जठर रस मिल जाता है तो उसे काइम कहा जाता है। यहां पर बोलस के साथ जठर रस मिलने पर उसे काइम कहा जाता है। यह काइम आमाशय का जो अंतिम भाग है, आमाशय के अंतिम भाग को पाइलोरस या जठर निर्गम कहा जाता है। आमाशय का अंतिम भाग
और उसके आगे का जो छोटी आंत का जो भाग है वहां पर एक स्फिंक्टर यानी अवरोधनी होती है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। तो ये जो काइम है वो थोड़ा थोड़ा करके उस स्फिंक्टर से होता हुआ छोटी आंत के ड्यूडेनम में यानी जो ग्रहणी है छोटी आंत का पहला भाग उस ग्रहणी के अंदर मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। अमाशय के अंदर भोजन जो है 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है। तो नेक्स्ट जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अमाशय में भोजन जो है वो काइम कहलाता है। ये काइम अब छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के 3 भाग है ग्रहणी अग्र सुद्रांग और सुद्रांग यानी ड्यूडेनम जेजुनम और ईगे। तो छोटी आंत का जो पहला भाग है ग्रहणी ग्रहणी में यकृत द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है और वो पित्त जो है पित्त वाहिनी से होता हुआ ग्रहणी में आ जाए। इसी के साथ में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस बनाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस जिसमें विभिन्न पाचक एंजाइम्स होते हैं। अग्नाशय रस जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पाचक एंजाइम से भरपूर होता है वो अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में लाता है। यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये खुद भी कई पाचक एंजाइम बनाती है और भोजन का जो है पूर्ण तरीके से पाचन कर देती है यानी यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा इन सब का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है जो आसानी से अवशोषित हो सकते हैं। पाचन के साथ साथ में छोटी आंत के अंदर पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। अवशोषण के लिए छोटी आंत जो है उसमें विलय पाए जाते हैं जिससे अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अवशोषण की क्रिया ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यकृत ग्रंथि जो है इसके द्वारा पित्त का निर्माण होता है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस का निर्माण होता है और ये दोनों मिलकर के छोटी आंत जो सबसे आगे का भाग है ग्रहणी उसके अंदर पित्त और अग्नाशय रस आकर मिलते हैं। इसके साथ साथ में छोटी आंत द्वारा भी आंतरिक रस की इसे सकस एंटेरिकस कहा जाता है स्रावित होता है जिसमें विभिन्न पाचन एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस के अंदर मुख्य रूप से ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन लाइपेज न्यूक्लियस आदि एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट जैसे माल्टोज माल्टोज को छोटी आंत के अंदर माल्टेज एंजाइम होता है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। इसके अलावा जो डेक्सट्रिन है इसमें डेक्सट्रिनेज एंजाइम
ये भी उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसके साथ साथ में सुक्रोज, इसको सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। ये जो अणु ये मोनोमर है यानी एकलक अणु, ये जल में घुलनशील है, इनका अवशोषण आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज में तोड़ दिया जाता है और इनका जो अवशोषण है वो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर उसके बाद में प्रोटीन, प्रोटीन में जो है पेप्टाइड, जो है पेप्टाइड इसको अमीनो पेप्टाइड बेस्ड एंजाइम, अमीनो पेप्टाइड बेस्ड एंजाइम अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन की बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर के प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन को पहले पेप्टाइड में तोड़ा जाता है और फिर पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद में आता है वसा, फैट, वसा का पाचन। ठीक है, तो वसा का जो पाचन है सबसे पहले ये जो पित्त है ये फिर वसा को इमल्सिफिकेशन यानी उसका पायसीकरण करता है। यानी पायसीकरण का मतलब ये होता है कि वसा को पहले छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जो अग्नाशय रस के अंदर जो लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा का पाचन करता है वो सीधा जो है डायरेक्ट वसा का पाचन नहीं कर पाता है। इसलिए पित्त जो है बाइल जूस वो पहले वसा को पायसीकृत करता है, फिर उस पायसीकृत जो वसा है उसके ऊपर ये अग्नाशय रस के अंदर लाइपेज एंजाइम में वो एक्ट करता है और उस वसा को वसा और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वसा है यहाँ पर पित्त रस जो बाइल जूस है वसा को ये इसका पायसीकरण करता है, पायसीकृत वसा, ताकि लाइपेज एंजाइम इसके ऊपर आसानी से क्रिया कर सके। अब ये जो पायसीकृत वसा है इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम एक्ट करता है, उसको वसा यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है, वसा और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। तो ये हो गया वसा का पाचन। अब उसके बाद में आता है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड यहां पर एक एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज ये एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में चेंज कर देता है। फिर इस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइटेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइटेज एंजाइम जो है न्यूक्लियोसाइट को पेंटोज सर्करा,
और साथ साथ में पेंटोज शर्करा के साथ साथ में जो है नाइट्रोजन सारा उसमें जोड़ देता है, नाइट्रोजन सारा। तो इस तरह जो है न्यूक्लिक अम्ल को लास्ट में फॉस्फेट पेंटोज और नाइट्रोजन सारक में तोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और न्यूक्लिक अम्ल इनका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। फिर जो यहाँ से शेष बचा हुआ जो भोजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत के अंदर मुख्य रूप से पाचन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर जल लवण इसके साथ साथ में विटामिन का अवशोषण होता है, यानी इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, जल लवण और विटामिन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की जो कोलन भाग है बृहदान्त कोलन इसमें ई कोलाई नामक जीवाणु होता है। ई कोलाई जीवाणु जो सहजीवी जीवाणु है ये भोजन प्राप्त करता है हमारे शरीर से, इसके बदले में हमें जो है ये विटामिन बनाता है। ई कोलाई जीवाणु जो है विटामिन B1, B12 का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर भोजन को मोनोमर्स में तोड़ दिया जाता है और छोटी आंत के अंदर जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में जल लवण और विटामिन का अवशोषण कर लिया जाता है। अब जो बचा हुआ भोजन है अपचित और जिसका अवशोषण नहीं होता है उस भोजन का बड़ी आंत का जो सबसे अंतिम भाग है रेक्टम भाग वहां पर मल का निर्माण होता है, उसे गुदा द्वारा शरीर से त्याग किया जाता है। तो आज हमने जो है पाचन क्रिया के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पाचित भोजन है उसका छोटी आंत के अंदर अवशोषण कैसे होता है यानी एब्जॉर्प्शन की क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में पाचन तंत्र से संबंधित जो विकार है यानी इससे कौन कौन सी बीमारियां या इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं भोजन की कमी से, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।